ताल और शब्दों का अद्भुत समन्वय माने संगीत। संगीत में इन तीनों विधाओं का समान रूप से किंतु अपना अपना महत्व है। यह कंपोजिशन जो अभी हम सुन रहे थे वो राग यमन के स्वर थे, जो कि तीन ताल 16 मात्रा में निबद्ध किए गए थे। ऐसी बहुत सारी प्रचलित कंपोजिशंस हम सुनते आए हैं जिनमें ताल का, स्वरों का, शब्दों का अद्भुत समन्वय हम पाते हैं, और इसी वजह से वो बहुत ही प्रचलित है। जैसे कि राग अहिर भैरव की अलबेला सजना आयोरे, राग यमन में एरियाली पिया बिन, और राग जोग में साजन मोरे घर आ। कैसा हो अगर कोई कंपोजिशन के स्वरों को उनके मूलभूत ताल से कोई अलग ताल में निबद्ध किया जाए, जैसे कि वह स्वर जो हम सुन रहे थे राग यमन के, उनको तीन ताल में न निबद्ध करते हुए चपताल में, रूपक में, एक ताल में उसी स्वरों को इतना प्रिसाइजली डिजाइन किया जाए कि लगे कि जैसे ओरिजिनल ही कंपोजिशन है। नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह चौहान, इंडियन क्लासिकल फ्लूटिस्ट। हम आपके लिए लाए हैं एक्सपीरियंस और नॉलेज से भरा हुआ एक नया वीडियो सेगमेंट, जिनमें हम आपके साथ शेयर करेंगे संगीत की कठिनाइयों से भरी चीज़ों को कैसे सहजता और सरल भाषा में आसानी से पेश किया जाए। इस सेगमेंट का नाम है फ्लूट रूट्स। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि यह रचना को तीन ताल में कैसे निबद्ध किया गया है। यह रचना तीन ताल में नौवीं मात्रा यानी कि खाली से शुरू होती है, और जैसे कि आप देख सकेंगे कि इस रचना को हम तीन ताल में कैसे बजा रहे हैं। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा सा नी प म रे सा नी रे ग ग म ध नी सा नी प म रे सा नी रे ग। तो जैसा हमने देखा, इस रचना को खाली से तीन ताल में शुरू किया गया है। अभी जब हम इसी रचना को अलग ताल में जब कन्वर्ट करते हैं, तब हमें उस ताल की टोटल मात्रा, उस ताल में खाली और सम की जगह, और खाली और सम में जो डिफरेंस है मात्राओं का, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। तो अभी आप देख सकेंगे कि हर ताल में हम इस कंपोजिशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, साथ ही इस कंपोजिशन के नोटेशन भी आप मेरे साथ ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, और इन सब नोटेशंस को हमने वीडियो के अंत में भी आपके लिए जोड़ के रखा है। तो आइए हम इस कंपोजिशन को, इसी स्वरों को कन्वर्ट करते हैं जपताल, रूपक, एकताल और मतताल में। दी ना, दी, दी ना। ती ना, धी, धी ना, धी ना। सा नी प म रे सा नी रे ग ग म ध नी सा नी प म रे सा नी रे ग ग म ध नी सा नी प म रे सा। ती ती ना, धी ना, धी ना, ती ती ना, धी ना। सा नी प म रे सा नी रे ग ग म ध नी सा नी प म रे सा नी रे ग।
धागे तिरक तुन्ना कट्टा धागे तिरक धिन्ना धिन धिन धागे तिरक तुन्ना कट्टा धागे तिरक धिन्ना धिन धिन धागे तिरक तुन्ना कट्टा धागे तिरक सानी पामरे सानी रे ग म धनी सानी पामरे सानी रे ग देखा आपने कैसे किसी कंपोजिशन को उनके मूलभूत ताल से हटके बाकी तालों में इतनी ही सरलता और सहजता से बजाया जा सकता है, मानो कि जैसे ओरिजिनली वो उसी ताल में कंपोस्ट की गई थी। ऐसे कन्वर्जेशंस करने के लिए आपको स्वर और ताल के साथ थोड़ा समय बिताना होगा, उनको गहराई से समझना होगा। हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो से प्रेरित होकर ऐसी चिर परिचित कंपोजिशंस जो आप जानते हैं, जो आप बजाते हैं, उनको उनके मूलभूत तालों से हटके कोई अलग तालों में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम समझेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ। और संगीत के ऐसे ही नित्य नवीन प्रयोगों के लिए, एक्सपेरिमेंट जानने के लिए आप हमारे फ्लूट रूट्स सेगमेंट से जुड़े रहिए। नमस्कार।